बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MTH 647 के कुछ इंपॉर्टेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट बन सकते हैं, लॉन्ग बन सकते हैं। चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह एक दो दिन तक जो इसके इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं वो भी मैं डिस्कस कर दूंगी, और उनका अगर कुछ सोल्यूशन साथ में डिस्कस करना हुआ तो वो भी मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि आपका साथ साथ जो है वो अपलोड हो जाए। तो MTH 647 मेथड्स इन मैथमेटिकल फिजिक्स आपकी बुक स्टार्ट करेंगे, जो अभी जो जैसे जैसे बनेगा ना, आपके इंपॉर्टेंट MCQs बनेंगे या जो आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग चार्ट बनेंगे वो मैं एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगी, कि ज़्यादा वीडियोज़ भी ना बने और आपका कंसेप्ट भी एक ही वीडियो से क्लियर हो जाए। आप देखें यहाँ पर आपके पास सबसे पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग की डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए है, आपके पास MCQs आ सकती है। अदरवाइज फॉर्मुलेशन का पता होना चाहिए, जो पहले से लास्ट सारे पढ़े हुए उन्हीं को यूज़ करके जब हम एक न्यू फॉर्म बनाते हैं, एक न्यू टर्म बनाते हैं, तो उसको ही हम कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। और अगर लास्ट अवेलेबल ना हो तो हम फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसके बाद ये वाली इक्वेशन आपको आनी चाहिए, इट्स अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन, पार्शियल स्केयर वाई बाय पार्शियल टी स्केयर ए स्केयर पार्शियल स्केयर वाई बाय पार्शियल एक्स स्केयर। इंपॉर्टेंट है आपके पास ये वाली इक्वेशन। न्यूटन लॉ का आपको वैसे ही पता है कि न्यूटन लॉ इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ। और यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट है टी अपॉन म्यू जो आपके पास आएगा, ये ए स्केयर के इक्वल होता है। टी अपॉन म्यू एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन का डिफरेंस पता होना चाहिए। बाउंड्री कंडीशन वो वाली कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके पास जो वेरिएबल है एक्स, जो बाउंड्री कंडीशन के ऊपर सॉरी जो बाउंड्री पॉइंट पे ऊपर वेरिएबल है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे जब अगर मैं आपको कोई डिफरेंट पॉइंट्स दे दूँ, फॉर एग्जांपल ये एक्स और टी का फंक्शन है, मैं एक दफ़ा एक्स की जीरो वैल्यू रख देती हूँ, एक दफ़ा एक्स की वन वैल्यू रख देती हूँ, तो ये मेरे पास बाउंड्री पॉइंट हो गए। और इनिशियल कंडीशन जहाँ पे आप इजीली याद रख सकते हैं, जहाँ पे आपके पास टाइम की वैल्यू जीरो होती है ना, वो आपके पास इनिशियल कंडीशन होती है। बाउंडेड फंक्शन का आपको पता होना चाहिए, वाई एक्स एफ टी मॉड इज लेस देन एम इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है, और एक्स और टी एक्स जीरो से एल के दरमियान में होता है और टी ग्रेटर देन जीरो होता है, और ये फाइनाइट रियल नंबर है एम लेस देन इन्फिनिटी के लिए। ये कुछ एग्जांपल्स है बाउंड्री कंडीशन के लिए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन पे जब हमने इनको अप्लाई किया। इसके बाद आपको हीट फ्लक्स अक्रॉस द प्लेन के अंदर ये पता होना चाहिए कि जो डेल यू है ये पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। हीट वैल्यू पॉजिटिव होती है अगर वो दूसरे से पहले की तरफ आती है, ठीक है। सेकंड प्लेन से फर्स्ट प्लेन की तरफ आई तो वो आपके पास पॉजिटिव होगी, और अगर इससे ऑपोजिट चल रहा है, वन से टू की तरफ जा रही है, तो वो नेगेटिव होगी, ठीक है। हाई, अब यहाँ पे उन्होंने और भी बता दिया, जब टू से वन की तरफ आ रही है इट्स मीन कि हाई से लो टेम्परेचर की तरफ आ रही है, और अगर नेगेटिव होगी तो वो लो से हाई टेम्परेचर की तरफ होगी। यहाँ पे कुछ कंडीशंस, ये इसका मेन फार्मूला हीट फ्लक्स का, कि थर्मल कंडक्टिविटी, आपको थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पता होना चाहिए, जो वो मटेरियल जो कंडक्ट कर सकता है हीट को, या ट्रांसफ़र कंडक्ट और ट्रांसफ़र हीट। उसके बाद ये वाली कंडीशन टर्म्स पता होना चाहिए, डेल यू जीरो को अप्रोच करता है लिमिटिंग केस में, और डेल एन जीरो को अप्रोच करता है, और जो डेल एन जीरो को अप्रोच करता है उसमें डिस्टेंस जीरो होता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स अप्रोचेस टू जीरो। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जो मेन मेन चीज़ें हैं, आपका सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, अब मेन जो बात आपने याद रखनी है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में, वो ये कि इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं जिसके अंदर, और उनके पार्शियल डेरिवेटिव भी साथ हों, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हों और उनके पार्शियल डेरिवेटिव भी उन वेरिएबल्स के साथ हो, तो वो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हाइएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर कहलाता है। कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए पार्शियल ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स लिख देते हैं, ठीक है। इसका इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव वन है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव टू है, इट्स मीन कि इसका ऑर्डर क्या है, इस वाली इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, टू है। अगर चलिए ऑर्डर वैसे भी उन्होंने लिखा था, अगर कोई वैल्यू साथ हो भी तो तब भी आपने उसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। सोल्यूशन आपको पता है जो भी किसी उसको सॉल्व करने से आता है उसके बाद अच्छा जी, सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सिंगुलर या आपको जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन का पता होगा इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। सिंगुलर सोल्यूशन इट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सोल्यूशन बाय चूजिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन खुद से चूज करके वो जो सोल्यूशन हम जनरल सोल्यूशन से नहीं निकाल सकते उसको हम सिंगुलर सोल्यूशन कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। अब ये वाली फॉर्म इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब आपको कह सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, आपने याद रखना है कि जब
सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड पार्शियल, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स की रिस्पेक्ट से, साथ में ए टर्म है। सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बोथ, तो बी टर्म साथ में, और जब वाई के साथ है सेकंड डेरिवेटिव तो सी टर्म, और बाकी ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर का पता होना चाहिए। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें आप एक 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 चीज़ भी इसकी याद रख लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। पहले इसकी टर्म होती है कि इसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका प्रोडक्ट साथ में ना हो, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यू, इसका प्रोडक्ट, कहीं यहाँ पे यू तो नहीं पड़ा हुआ आपके पास, यहाँ पे इस डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट साथ में ना हो। दूसरी बात होती है कि ये जो आपके पास जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसका सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए। किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या होती, डिग्री क्या होती थी, किसी भी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को हम डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 और इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो ये एक लीनियर है और इसका ऑर्डर क्या है, 3, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो उसकी पावर डेरी सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर 1 है और इसकी पावर 2 हो गया, तो ये नॉन लीनियर हो गया। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एलिप्टिकल कब होता है, हाइपरबोलिक कब होता है, पैराबोलिक, पैराबोलिक इक्वल टू 0, हाइपरबोलिक लेस देन 0। हाइपरबोलिक लेस देन 0 है ना तो आप इसको एच एल करके याद रख ली, एच एल इज द हाइपरबोलिक एंड एल इज द लेस देन। और एलिप्टिकल सॉरी हाइपरबोलिक मैंने आपको गलत बता दिया, हाइपरबोलिक इज द ग्रेटर देन, तो आप इसको इस तरह से याद रखें, एच जी, एच जी जैसे आप मरकरी का साइन होता है तो हाइपरबोलिक ग्रेटर देन साइन। एलिप्टिकल, एलिप्टिकल क्या होता है, लेस देन 0 होता है, तो आप इसको ई एल करके याद रख लें। अगर आपने ये मरकरी याद रख लिया ना आई एच जी साइन को, तो आपको एलिप्टिकल इजीली खुद बहुत याद रह जाएगा कि वो लेस देन 0, लेस देन 0 है। इसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल जिसमें आप वैल्यूज को सेपरेट आउट करती हैं, वो वाले क्वेश्चंस आपके पास यहाँ से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने वैल्यू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड लिखा है, ठीक है, कोई भी वो आपको फॉर्म दे देगा और आपने उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से फाइंड करके एक्स टी की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो आपके पास वो वाला क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा चांसेस है कि आ सकते हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वो वाला प्रिंसिपल होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा सोल्यूशन आ जाते हैं तो हम उसको लीनियर कम्बिनेशन यानी कि सम ऑफ करके लिख लें उन सारे सॉल्यूशंस को, तो वो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल कहलाता है। तो ये आप बस एक सुपर पोजीशन प्रिंसिपल की फॉर्म है और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल वो वाली इक्वेशन होती है जो इक्वल टू 0 हो। ओके, यहाँ पे फिर आपके पास यहाँ पे जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगा के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, तो आपके पास इनिशियल वैल्यू बाउंड्री कंडीशन पुट की, तो आपके पास यू एक्स ऑफ वाई का आंसर आ गया। तो ये वाले क्वेश्चन आपके पास जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो आ सकते हैं। अच्छा जी, फोरियर सीरीज़ क्या होती हैं, फोरियर सीरीज़ वो वाली सीरीज होती हैं जो पीरियोडिक होती हैं और जो फाइनाइट इंटरवल पे दी जाती हैं, उसको आप फोरियर सीरीज़ कहते हैं। पीरियोडिक का पता होगा आपको कि जो कुछ टाइम के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता रहे फंक्शन, उसको आप पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे पीरियड की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, साइन का फंक्शन लिखा हुआ है, साइन का पीरियड बताया है, साइन का पीरियड 2π होता है, 2π, ठीक है, साइन का पीरियड 2π होता है, 2π इज लीस्ट, अच्छा है, बस इतना याद रखें कि साइन का पीरियड 2π होता है। इसके बाद ये वाली फॉर्म्स हैं, ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीरियड किसी भी फंक्शन का फाइंड करना हो तो 2π बाय एन कर लेंगे तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो हाईलाइट किया हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अंदर अंदर से बता रही हूँ वो भी आ सकता है। पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का आपको की डेफिनेशन आपको एमसीक्यूज में आएगी, 100% चांसेस है कि यह आ सकती है। एट मोस्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज, मैंने लेक्चर्स के अंदर इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करी कि फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज होंगी तो वो आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन होता होगा। अब फोरियर सीरीज की है ये जितने ये वाली फॉर्म सबसे पहले, उसके बाद जितने भी ये कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशियंट्स हैं, ए एन, बी एन, ए नॉट, ये तीनों आपको ज़रूर आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। फोरियर सीरीज की ये तीनों कोफिशियंट्स ए एन, बी एन और ए नॉट, ए एन जो है वो आपके पास कॉज का फंक्शन होता है, 1/L फंक्शन ऑफ एक्स कॉज एन पाई एक्स ओवर एल, बी एन जो होता है वो साइन का फंक्शन होता है, ठीक है, और ए नॉट जो होता है ये फोरियर कोफिशियंट्स हैं सारे, ठीक है, ए एन, बी एन, ए नॉट, ये सारे फोरियर कोफिशियंट। और ए नॉट जो होता है वो इसको इस तरह से लिखते हैं, 1/12 फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, लेक्चर्स के अंदर भी मैंने बताया था, एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, अगर यहाँ ए नॉट अवर टू आ गया ना तो आपके पास फार्मूला 1/L फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स होगा, और अगर ए नॉट अवर टू नहीं आया, सिर्फ ए नॉट लिखा हुआ है, तो आपके पास ए नॉट का फार्मूला 1/2L तब बनेगा, ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है।
डिरिचलेट की कंडीशंस इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज के लिए, ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्ज करेगा कि नहीं, उसको लेक्चर्स के थ्रू आप इसको सुन लें कि कन्वर्ज करता है कि नहीं। फंक्शन डिफाइंड है डिरिचलेट की तीनों कंडीशंस, फंक्शन तीन कंडीशंस के अंदर वो कह सकते हैं कि क्या डिरिचलेट की ये कंडीशन, डिरिचलेट की कंडीशन में ये बात आती है। फंक्शन पीरियोडिक होता है पीरियड 2L के साथ, फंक्शन पीस फंक्शन और उसके डेरिवेटिव पीस वाइज कंटिन्यूस होते हैं, फंक्शन डिफाइन होता है किसी सिंगल वैल्यू। अब आपके पास यहाँ पे एन बी एन ए नॉट की सारा उन्होंने ये ड्राइव किया हुआ है, ये टोटल तो नहीं सारा आ सकता ठीक है, लेकिन इसके अंदर से वो कोई एक क्वेश्चन आपको कह सकते हैं कि आप ए एन ड्राइव करके दें, बी एन ड्राइव करके दें, या फिर आप ए नॉट ड्राइव करके दें। तीनों क्वेश्चंस का आना मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कभी हुआ नहीं। अब आपके पास साइन अल्फा, ओके साइन अल्फा एक ऑड फंक्शन होता है और कॉस जो होता है वो एक इवन फंक्शन होता है। जब भी साइन साइन एक ऑड फंक्शन होता है इसलिए इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट जीरो हो जाती है, और जब साइन और कॉस को मल्टीप्लाई हुआ तब भी वो एक ऑड फंक्शन बन गया। क्यों ऐसे बन गया कि इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए बता रही हूँ आपको कि साइन एक ऑड फंक्शन है, कॉस एक इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है उसको माइनस साइन से, कॉस एक इवन फंक्शन उसको प्लस साइन से, माइनस जमा माइनस ही होता है, आपके पास आंसर एक ऑड फंक्शन ही आया, और ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन ऊपर अभी हमने देखा जीरो होती थी, इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई है। आपको ये वैल्यूज आने चाहिए। फोरियर सीरीज से रिलेटेड मैंने लेक्चर्स के नोट्स भी बना दिए थे, आपने वो लेक्चर भी देख लेने हैं ठीक है। और एक और बात, फोरियर सीरीज से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, या आपको वो कह सकता है कि फोरियर इस सीरीज़ के अंदर मुझे ए एन निकाल के दें, या इस सीरीज़ के अंदर मुझे बी एन निकाल के दें, या वो आपसे इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है या वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाफ रेंज साइन सीरीज़ का क्या फार्मूला है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ का क्या फार्मूला है। तो ये सारी चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है ठीक है। अब हाफ रेंज साइन सीरीज़ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कोसाइन सीरीज़ का फार्मूला पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ऑड एक्सपेंशन कब होती है, इवन एक्सपेंशन कब होती है। ऑड एक्सपेंशन हो तो ए एन जीरो होता है, बी एन फाइंड करना होता है, बी एन ए नॉट फाइंड करना होता है। इवन एक्सपेंशन हो तब आपने कौन सी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, मैं साथ में लेक्चर नोट्स भी गलत ओपन हो गए हैं, लेक्चर नोट भी ओपन नोट्स भी ओपन कर देती हूँ ताकि आपको मसला ना हो कोई। अच्छा जी, जब इवन फंक्शन, अगर वो एक कमेंट भी आया था इसलिए इस बात को क्लियर कर रही हूँ, अगर आपके पास फंक्शन इवन है और वो आपको बता दे, अगर वो आपको नहीं बता रहा कि आपने इसको किस तरह से करना है, हाफ रेंज साइन से करना है, हाफ रेंज कोसाइन से करना है, तो तब आपने वो इसका सारी टर्म्स को फाइंड आउट करना है, ए एन नॉट को, ए एन को, बी एन को ठीक है। और अगर वो आपको बता देता है कि ये हाफ रेंज साइन सीरीज है, साइन सीरीज है मतलब कि वो एक आपके पास ऑड वाली ऑड वाला फंक्शन सिर्फ आएगा, साइन सीरीज है मतलब आपके पास कॉज वाली वैल्यू तो हो ही जीरो होगी, तो यहाँ पे देखिए ए नॉट ए एन जीरो होगा अगर फंक्शन ऑड है तो, बी एन सिर्फ फाइंड करना और उसका फार्मूला ये होगा, और अगर फंक्शन इवन होगा तो उसका फार्मूला ये होगा। लेकिन इन केस हाफ रेंज साइन सीरीज के अंदर ये चीज़ आपके पास डिफरेंट तरह से आती है। अब मुझे पता नहीं है कि आपका पेज नंबर वो कौन सा है, लेकिन मैं आपको फिर भी ओपन करके बता देती हूँ कि हाफ रेंज साइन और हाफ रेंज को साइन सीरीज का डिफरेंट फार्मूला है, पेज नंबर 24th, आई थिंक सो, वेट अ मिनट, ओके ये आपके पास हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला 2/L फंक्शन ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल, ये आपके पास हाफ रेंज को साइन सीरीज का फॉर्मूला 2/L। इस जब साइन सीरीज है तो कॉज वाला फंक्शन ए एन, क्योंकि कॉज वाली सीरीज होती है तो वो जीरो होगा, और को साइन सीरीज है तो इसमें कॉज वाला फंक्शन आपके पास आएगा, और साइन बी एन साइन वाला फंक्शन होता है तो वो जीरो होगा। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं आपके पास, ओके हम यहाँ पे थे, ओके अब आपको यहाँ से हाफ रेंज साइन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ का पता चल गया होगा, फोरियर सीरीज ए एन बी एन ए नॉट के फार्मूला का पता चल गया होगा, ये तीनों एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब आपके पास ये पार्सिवल्स आइडेंटिटी है, ये इंपॉर्टेंट है, या आपको कह सकता है राइट पार्सिवल्स आइडेंटिटी या इसका थ्योरम जो है उसको प्रूफ करें, तो शायद ये थ्योरम आ सकता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन ये थ्योरम आपके पास आ सकता है। ओके नेक्स्ट आपके पास फोरियर सीरीज इंटीग्रेशन से, तो फोरियर सीरीज को आप इंटीग्रेट कर सकती हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन हम इसकी नहीं कर सकते फोरियर सीरीज की। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, फोरियर सीरीज कैन बी इंटीग्रेटेड, फोरियर सीरीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, उस टाइम पे सीरीज ना तो कन्वर्ज करती हैं ना वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेंगी, इसलिए टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 32 से आपके पास नेक्स्ट जो है वो
यहाँ से आपके पास एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल कब होता है आपको पता होना चाहिए, ऑर्थोगोनल जब आप दो वैल्यूज का डॉट लें तो वो जीरो हो जाए। नॉर्मलाइज्ड कब होता है, जब आप आपके पास जो भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो नॉर्मलाइज्ड होता है। और एक बात और, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा उस टाइम पे क्या हो, अगर यूनिटी हो तब वो नॉर्मलाइज्ड कहलाएगा। नॉर्मल और नॉर्मलाइज्ड इन ए बी, किसी कोई किसी इंटरवल के अंदर नॉर्मलाइज्ड होने का क्या मतलब है कि अगर आप उसका स्केयर लें, इंटीग्रेट करें और उसका आंसर 1 आ जाए तो वो किसी इंटरवल के अंदर क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा। आर्थो नॉर्मल, ठीक है, ये आर्थो नॉर्मल है, लेक्चर के अंदर भी बताया था। आर्थो नॉर्मल क्या होता है, आर्थो नॉर्मल होता है कि अगर आप दो फंक्शंस का डॉट लें तो वो 0 आए, और वो 0 कब आए, जब एम एन के इक्वल ना हो, और वो 1 आए जब एम एन के इक्वल हो, तो वो 1 आए, 1 आएगा तो वो आपके पास ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी तो वो एक आर्थो नॉर्मल सेट होगा। और यही कंडीशन क्रोनिकर डेल्टा भी हमें यही कहता था, क्रोनिकर डेल्टा की भी यही कंडीशन थी कि अगर एम एन के इक्वल तो आंसर 1, अगर एम एन के इक्वल नहीं है तो आंसर 0। इंपॉर्टेंट एम सी क्यू चाहिए, आर्थो नॉर्मल, ऑर्थोगोनल, नॉर्मलाइज, किसी इंटरवल के अंदर नॉर्मलाइज होना, और ऑर्थोगोनैलिटी विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। आपने वही फाइ एन लिखना है, उसके साथ सिर्फ एक वेट फंक्शन लगा देना और आपने आगे क्रोनिकर डेल्टा डेल्टा एम एन लिख देना है। तो ये आपके पास ये क्या बन गया, वेट फंक्शन, ऑर्थोगोनैलिटी विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। और कंडीशन ये है कि वेट फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। एंड देन नेक्स्ट मूव करते हैं, ओके, इंपॉर्टेंट है ये भी एम सी क्यूज। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एन फाई एन एफ एक्स, इसको आप आर्थो नॉर्मल सीरीज़ या जनरलाइज फोरियर सीरीज कहती हैं, और ये जो सी एन है इसको आप फोरियर जनरलाइज फोरियर कोफिशियंट कहते हैं। सी एन इज द जनरलाइज फोरियर कोफिशियंट, और ये जो ये पूरा फंक्शन है इसको आप क्या कहते हैं, आर्थो नॉर्मल सीरीज कहते हैं, और या इसको जनरलाइज फोरियर सीरीज कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है, ये सी एन वो कह सकता है कि सी एन इज कॉल्ड, और ये भी कह सकता है कि ये पूरा फंक्शन क्या कहलाता है, या क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज। तो ये आपको फिर सारा प्रूफ करना, ये सारी यहाँ तक आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा। उसके बाद फंक्शन और उसके डेरिवेटिव पीस वाइज कंटिन्यूस होते हैं। डिरिचले की कंडीशन देखें, यहाँ पे लिखी हुई है फंक्शन उसके डेरिवेटिव, आपके पास जो डिरिचले की कंडीशन थी, बस फर्क यह था कि वहाँ एफ ऑफ एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखा था, और उन्होंने यहाँ पे उसके डेरिवेटिव एक्सप्लेन करके एक स्टेटमेंट के थ्रू बता दिया। अगर पीस वाइज कंटिन्यूस हो तो सीरीज कन्वर्ज करती हैं टू देयर एवरेज। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके नहीं, आपके पास यहाँ पे लेट फाई एंड एफ एक्स बी सेट अप म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, आपके पास जितनी भी थ्योरम्स की स्टेटमेंट है वो एम सी क्यू उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने प्रूव करना कि ये जो जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज हैं ये कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली, और ये जो जनरलाइज्ड फोरियर कोफिशियंट है सी एन, ये इस फंक्शन के इक्वल है। सी एन इज इक्वल टू एफ एफ एक्स पाई एन एफ एक्स, आगे एफ एफ एक्स इसके इक्वल था, इसके सम के इक्वल था। अब आपने सी एन को इसकी इंटीग्रल के इक्वल प्रूव करना है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल बताना है। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, सी एन का फॉर्मूला और है, सी एन इन केस ऑफ इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे फंक्शन इन केस ऑफ समिशन साइन है। और एक और बात यहाँ पे, ये आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो समिशन और इंटीग्रल साइन होते हैं वो इंटरचेंज हो सकते हैं। तो अभी इस थ्योरम के अंदर भी वही वाली कंडीशन लगाई गई है, ठीक है, इसको आपने प्रूव करना है। एम एस इज द मीन्स केयर एरर एम सी क्यूज के लिए, रूट मीन्स आर एम एस इज द रूट मीन्स केयर एरर, मीन्स केयर एरर है, दोनों फंक्शन का सम किया तो आपके पास ये फंक्शन को भी उसके इंटरवल से डिवाइड कर दिया, तो ये एक मीन्स केयर एरर। और अगर आप इसी मीन्स केयर एरर के ऊपर ये वाला साइन लगा दें स्केयर रूट का, तो ये रूट मीन्स केयर एरर बन जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना है कि ये माइनस साइन आता है आपके हैंडआउट्स में, बहुत मिस्टेक हुई हुई है, ये यहाँ पे माइनस साइन है सारे कहीं। मीन्स केयर एरर बड़ी वैल्यूज के लिए, लार्ज एरर्स, लार्ज क्वांटिटीज के लिए यूज होता है, लेकिन रूट मीन्स केयर एरर सेम यूनिट्स ऑफ डैट गिवन फंक्शन, इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज। अब ये थेरम की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोफिशियंट ए एन इक्वल होगा जनरलाइज फोरियर कोफिशियंट के, और जो जनरलाइज फोरियर कोफिशियंट है अभी हमने ऊपर देखा वो क्या है, सी एन है। अगर ए एन सी एन के इक्वल हो गया, वो कब इक्वल होगा, जब रूट मीन्स केयर एरर लीस्ट होगा, बहुत कम आएगा, तब ये कोफिशियंट इक्वल होंगे। इतने ज़्यादा इतना थेरम का प्रूफ ये आ नहीं सकता है, इसलिए आप इसको देखें ज़रूर, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। मेरा यही है कि आप अपने हैंडआउट्स को पहले रखा करें और फिर अपने मटेरियल्स, अपने फाइल्स को बाद में रखा करें। बेसल्स इनइक्वालिटी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत शॉर्ट सा है, जितना शॉर्ट शॉर्ट आपके पास
हैंडबुक्स के अंदर बना है ना, वो आपका सारा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें हैं, जनरलाइज्ड फोरियर कोफिशिएंट, जैसे अभी हमने देखा शॉर्ट सब टॉपिक था तो वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट। ये हमें जनरलाइज फोरियर कोफिशिएंट जो है सी एन जो है, इसको हमने इस एफ एफ एक्स की प्रूव करना है कि ये लेस देन और इक्वल है, और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये एम सी क्यूज के लिए भी बेसेल्स इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर एम सी क्यूज। फंक्शन ऑफ एक्स फाइन एफ एक्स डी एक्स लिमिटेड टू बी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ओके अब ये जो एस एल सिस्टम है ना, ये एस एल सिस्टम में इंपॉर्टेंट, एस एल सिस्टम में इसकी फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये इंटरवल इंपॉर्टेंट है, एक्स ए टू बी होगा। फॉर्म में क्या है, अगर आप मेरे लेक्चर नहीं सुन के आए हैं तो इसलिए बता रही हूँ बार बार, फॉर्म में क्या है, डी बाई डी एक्स पी एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स पी एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स के साथ आ रहा है, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा आर एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो। अब ये जो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म है, इसको अगर वो यहाँ पे इसको लिख के दे दें, इसके ऊपर सॉरी प्रोडक्ट रूल लगा दें, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पी एफ एक्स एक दफ़ा एज इट इज़ ये डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर बन जाएगा, फिर पी एफ एक्स के ऊपर डेरिवेटिव पी प्राइम ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। और अगर वो आपको इस फॉर्म में भी दे देता है ना एस एल सिस्टम, बाकी ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ ही आएगा साथ में, तब भी वो एक एस एल सिस्टम ही कहलाएगा, स्टर्म लॉवली सिस्टम ही इसको कहेंगे। और ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री वैल्यूज़ हैं, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि ये इन बाउंड्री कंडीशन के ऊपर जो है वो वैल्यूज आ रही हैं। उसके बाद अब ये जो पी एफ एक्स क्यू एफ एक्स आर एफ एक्स हैं, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती हैं एम सी क्यूज के लिए। उसके बाद ये जो अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू, ये कॉन्स्टेंट होते हैं, ये डिफरेंट बी पी एफ एक्स क्यू एफ एक्स आर एफ एक्स डिफरेंशियबल फंक्शन हैं, डिफरेंशियबल रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। और ये जो लेमडा है, ये लेमडा अनस्पेसिफाइड पैरामीटर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, और ये एक पैरामीटर है, इसको हम फाइंड करते हैं अनस्पेसिफाइड, इसको हम वोट फाइंड करते हैं। अब एक और बात, यहाँ से जो लेमडा की वैल्यू आती है उसको आप आइगन वैल्यू कहते हैं, और इस लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग हम जो सोल्यूशन फाइंड करते हैं उसको हम आइगन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और बात जो आएगी वो आपने ये एग्जाम्पल आपने देख लेनी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप बस ये क्वेश्चन में आ सकता है कि पी एफ एक्स बताएं, क्यू एफ एक्स बताएं, आर एफ एक्स बताएं, क्या है। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर से इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका लेमडा की वैल्यू होती है उसको आप आइगन वैल्यू कहते हैं, और अगर लेमडा ज़ीरो आ जाता है ना, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान से सुने, अगर लेमडा ज़ीरो आ जाता है तो वो आपके पास एक ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है, लेकिन अगर लेमडा की वैल्यू जीरो नौ जीरो के अलावा कुछ भी आती है ना तो वो आपके पास एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। और जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है एस एल सिस्टम का इज एग्जिस्ट इन जनरलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब ही एग्जिस्ट करता है जब आपके पास लेमडा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आती है, पर्टिकुलर वैल्यू तब भी आएगी जो जीरो के अलावा होगी, और उस वैल्यू को आप आइगन वैल्यू फिर कहते हैं। हमेशा सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल तब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वो वाला जब जीरो के अलावा वैल्यू आई, और जब जीरो के अलावा वैल्यू उसको लेमडा को आइगन वैल्यू कह दिया, और उस लेमडा के अकॉर्डिंग जितने भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे उसको आप आइगन फंक्शन तब कहेंगे। और ये आपके पास छोटी सी एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने ध्यान से देखना है, समझ नहीं आती तो लेक्चर के थ्रू देखें। इस एग्जांपल की वो कह सकता है कि इसको ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करें, ये स्टेटमेंट देखें ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करें, तो आपको पता है कि हम उस फंक्शन को उसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास उसकी ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव हो जाएगी। ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करनी है, ऑर्थोगोनैलिटी का क्या मतलब होता था, जब डॉट प्रोडक्ट लें तो आपके पास जीरो आए, फिर नॉर्मल कह सकता है कि इसी फंक्शन की आप नॉर्मलाइजेशन प्रूव करें तो उस फंक्शन का इटसेल्फ के साथ लेंगे प्रोडक्ट लेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे और उसकी टर्म्स ये हैं कि उस टाइम पे एम एन के इक्वल होगा और आंसर वन आ जाए तो आपके पास वो ऑर्थो नॉर्मल होगा। एक्सपेंशन इन फोरियर सीरीज, ओके नेक्स्ट वन इज, ये आपके पास एक लंबा सा थ्योरम है, इसको आपने यहाँ से याद रखना है कि लैम्डा एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, इसकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शो डेट द आइगन वैल्यूज ऑफ एस एल सिस्टम आर रियल, ये आइगन वैल्यूज जो होती हैं, आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा जो है वो आपने प्रूफ करना है एस एल सिस्टम का रियल है, तो यहाँ पे हमने लास्ट पे प्रूफ किया कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बार, लेक्चर के थ्रू इसका प्रूफ जाके देख लें। ओके अब जो आपका जो गैमा फंक्शन है बीटा फंक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, गैमा फंक्शन को बीटा फंक्शन को अपनी फिंगर टिप्स पे रख लें, बहुत ज़्यादा एम सी क्यूज आ सकते हैं इसके अंदर से, क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने इसको अपनी फिंगर टिप्स पे रखना है। गैमा फंक्शन को, गैमा फंक्शन की फॉर्म है गैमा एन प्लस वन इक्वल होता है
आपके पास एन गैमा एन के, अगर यहाँ एन प्लस वन है तो यहाँ पे गैमा के साथ एक रिड्यूस उससे कम एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और आपके पास ये सारी के टर्म्स इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर ना इसके कुछ लहदा से एमसीक्यूज भी बताए थे, आप एक दफ़ा जाके वो भी देख लें, अदरवाइज मैं ऊपर लिंक भी अटैच कर दूंगी वीडियो का, आपने वो देख लेना। गैमा एन प्लस वन एन फैक्टोरियल के इक्वल होता है, और गैमा एन प्लस वन एन गैमा एन के इक्वल होता है। ये दोनों टर्म्स आपने ध्यान रखने हैं कि ये दोनों सेम है, और कंफ्यूज नहीं होना इनसे। एन गैमा एन के इक्वल होता है, और इसकी एग्जांपल भी मैंने उस लेक्चर के अंदर कराई थी, इसके अंदर ज़्यादा नहीं करा रही आपने उसकी। इसकी एग्जाम्पल भी मैंने गैमा फंक्शन से नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर आई थिंक सो बताई थी, तो आपने वो देख लेना। गैमा एन प्लस वन मेन गैमा फंक्शन का कि ये इक्वेशन होती है, गैमा एन प्लस वन इस टर्म के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, गैमा इसको हमने प्रूव करना सीखा था, तो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है। वन लेमडा, ओके यहाँ से हाईलाइट नहीं हुआ, ओके ये जो गैमा वन ओवर टू स्केयर रूट पाई है ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ आ सकता है आपके क्वेश्चन के अंदर, और इसका आपके पास एमसीक्यूज भी ज़रूर आएगा, गैमा वन ओवर टू किसके इक्वल होता है। इसका प्रूफ यहाँ पे काफ़ी लेंथी हुआ हुआ है, आप किसी और भी मेथड के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हम उसी मेथड से उसको सॉल्व करें। उसके बाद बीटा फंक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास यहाँ से बीटा फंक्शन का सबसे पहले ये फॉर्म एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, एम एन यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होता है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको प्रूव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ये 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन जो है वो आएगा मेरे लिहाज से, अदरवाइज आपका आपका नहीं पता कि आपकी क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बीटा एम एन जो है वो बीटा गैमा एम, गैमा एन, गैमा एम प्लस एन के इक्वल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसका प्रूफ भी वो पूछ सकते हैं आपसे, प्रूफ आ भी सकता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर या शॉर्ट के अंदर, या वो फिर आपको कुछ आधी टर्म्स सॉल्व करके दे दें और फिर कहीं इधर तक कर बता दें ये सारी वैल्यूज़ हैं, आप इसको प्रूफ करें, तो कुछ भी आ सकता है। लेजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला, आपके पास आई जे के इक्वल रख दिया, अब आपका जो लेजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला होता है वो जेड, यहाँ पे आपके पास एक एम जी क्यूज था जेड प्लस वन ओवर टू और जेड के दरमियान था, ठीक है, तो उसका आंसर वो था जेड प्लस वन ओवर टू और जेड के दरमियान में लेजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला होता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बता दिया, यहाँ पे आपके पास पी प्लस वन ओवर टू है और ये पी है, तो लेजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला इज बिटवीन पी प्लस वन ओवर टू एंड पी होगा, अगर वहाँ आपको पी फंक्शन दे देते हैं तो। और यहाँ पे इसको डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आई के पावर में माइनस वन ओवर टू है, ये नीचे आएगा तो ये स्केयर रूट पाई हम लिखेंगे, तो आपको इसको किसी भी तरह से लिख के, सॉरी पाई लिखना था, किसी भी तरह से लिख के वो आपको इस फॉर्म को दे सकता है। वेल इस प्रोडक्ट फार्मूला इज दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, आपके पास पी इवन होगा तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, इवन होगा तो आपने क्या बस ये याद रख लें साथ में पाई बाय टू आएगा, और ऑड होगा तो साथ में पाई बाय टू नहीं आएगा, उसके साथ आपके पास वैल्यू वन होती है। इवन होगा तो आपके पास नॉमिनेटर में ऑड वैल्यूज होंगी, ऑड होगा तो नॉमिनेटर में इवन वैल्यूज होंगी, तो ये आपके पास। और ये दोनों फंक्शंस का वाली इस प्रोडक्ट फार्मूला लेने से दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। यहाँ पे आपके पास साइन वाली सीरीज सिर्फ सॉल्व हुई हुई है, कॉज वाली सीरीज का भी आंसर जो है वो यही आएगा, और अगर आप वो प्रूफ कर लें तो भी ज़्यादा अच्छा है, बस क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। अच्छा जी, ये जो फोरियर इंटीग्रल, फोरियर इंटीग्रल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एम सी क्यूज, दे फोर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट वन इज़ इंपॉर्टेंट, सेकेंड वन इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट, तो ये दोनों तो आपने इसको अपने फिंगर टिप्स पर रख लेंगे। फोरियर इंटीग्रल इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं, ये सारी इक्वल हैं, ये फर्स्ट सेकेंड के इक्वल है, फर्स्ट थर्ड के भी इक्वल हो सकती है, फर्स्ट फोर्थ के भी इक्वल हो सकती है, तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के, तो ये इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक प्रूफ भी हुआ है, इनमें से कोई एक प्रूफ आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इट्स इनवर्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म और इसके इनवर्स के अंदर दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट टर्म, मैंने लेक्चर के अंदर इसको एक्सप्लेन किया काइंडली, आप वहाँ से जाके देख लें, मैं इसको अभी और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि वहाँ पे मैंने साथ में इसको नोट डाउन किया था और थोड़ी सी टर्म्स डिफरेंट करके भी बताई थी ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, तो इसलिए यहाँ पे नहीं बता रही। अब आपका ये जो फंक्शन एफ 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 एल, असल में आपके पास जो फोरियर इंटीग्रल की फॉर्म है ना, जो एक्चुअली फोरियर इंटीग्रल की फॉर्म है वो आपके पास ये है, ठीक है। फोरियर इंटीग्रल के अंदर ये जो एफ एफ अल्फा है, ये जो अंदर टर्म पड़ी है, इसको आप इसका इनवर्स ले लेना, ये एफ एफ अल्फा इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो एफ एफ अल्फा इज कॉल्ड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एफ एक्स का, फोरियर ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, और ये जो एफ एफ एक्स है वो इसका
उल्टा इन्वर्स कहलाएगा। एफ एफ एक्स इज द इन्वर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपको कह सकते हैं कि कुछ भी करके इसका एम सी क्यूज लिखें, ये क्या वैल्यू ठीक है, या आप लिखें राइट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एफ अल्फा, या राइट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एफ के। फोरियर एफ एफ के इज प्रूव करेंगे एफ एफ के फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ एफ एक्स का, या एफ एफ अल्फा फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ एफ एक्स का। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, शुड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट शुड बी 1/2 पाई। उसके बाद यूनिट स्टेप फंक्शन का आपको पता होना चाहिए। यूनिट स्टेप फंक्शन का एक और नेम होता है हैवी साइड फंक्शन। तो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हुआ लेकिन आपकी एम सी क्यूज के लिए बता रही हूँ कि हैवी साइड फंक्शन और ये यूनिट स्टेप फंक्शन वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप बस पेपर में आ सकता है और आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में हुआ है, आपको समझ नहीं आएगी, आपने इसको लेक्चर के थ्रू देख लेना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कॉन्जुगेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज, आपने इसका कॉन्जुगेट बताना है कि एफ एफ अल्फा बार का कॉन्जुगेट आपने लिया और ये एफ एफ माइनस अल्फा के इक्वल होगा। तो आपने इसको कोशिश करनी है कि ये एम सी क्यूज इंपॉर्टेंट हैं, ये लॉन्ग जो शॉर्ट क्वेश्चन या जो लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी तैयारी ज़रूर कर लेनी है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आने वाले पेपर्स होंगे ना, वो मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन तक ही उसकी वीडियो बना के, ताकि आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर कर दूँगी। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की वो भी आप वहाँ पे समझा दूँ। जो आने वाले स्टूडेंट्स जिनका पेपर अभी नेक्स्ट डेज में होगा, वो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो साथ से डिस्कस करती रहूँगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।